नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फॉर्म 26S के बारे में बताऊंगा कि 26S फॉर्म क्या होता है। 26S फॉर्म इनकम टैक्स इंडिया की साइट पे मिलने वाला वो फॉर्म है जिसमें आपके सारे TDS के बारे में लिखा होता है कि किस पार्टी ने, किस पर्सन ने आपका कितना TDS काटा है। तो ये 26S कहाँ से मिलता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है 26S, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनकम टैक्स इंडिया की साइट पे जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन 26S डाउनलोड करने के लिए हमें इनकम टैक्स इंडिया साइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड डालेंगे, पासवर्ड जो भी हमारा लॉगिन पासवर्ड है उसको हम डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर यहाँ पे डिजिट लिखे हुए हैं ये डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। माई अकाउंट में जाके व्यू 26S फॉर्म कन्फर्म, आई एग्री में क्लिक करेंगे, कंडीशन पे प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे कौन से ईयर का हमें 26S फॉर्म चाहिए वो असेसमेंट ईयर डाल देंगे, HTML में व्यू हो जाएगा सारा 26S फॉर्म। ये 26S फॉर्म आ गया, जिस पार्टी ने आपका TDS काटा है यहाँ पे उसका टैन नंबर, कितनी अमाउंट पे TDS काटा है, यहाँ पे TDS की डिटेल्स सारी आ जाएगी। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए नीचे यहाँ पे डाउनलोड हो गया, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फिर ओपन करेंगे इसको। इसको ओपन करने के लिए पासवर्ड होता है 26S का, 26S को ओपन करने के लिए पासवर्ड होता है डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इस तरह से 26S आपका डाउनलोड हो जाएगा PDF में। इसको हम सेव कर सकते हैं कहीं भी, राइट क्लिक करके इसको सेव करके ऐसे अपनी कंप्यूटर में कहीं भी इसको सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि 26S फॉर्म क्या होता है और इसको कैसे डाउनलोड किया जाता है। और जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए कीरत के सीरीज चैनल। थैंक यू।